और चलिए अब आपको अमेरिका चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आपने चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे देखे होंगे, लेकिन अमेरिका में इस वक्त किसी की बीमारी किसी दूसरे के लिए चुनावी मुद्दा बनी हुई है। आपको दिखाते हैं किस तरह हिलेरी की बीमारी को मुद्दा बनाकर ट्रंप हर वक्त अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लेकर घूम रहे हैं। अमेरिका के चुनावी संग्राम में एक शब्द इस वक्त ट्रेंडिंग है और वो शब्द है स्टैमिना। जी हाँ, स्टैमिना को लेकर अमेरिका के सियासी दंगल में बड़ी कलह मची है और ये सब हिलरी क्लिंटन की तबीयत खराब होने के बाद से शुरू हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि हिलरी को वॉकिंग निमोनिया है और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को चुनावी भट्टी में तरीके से पका रहे हैं। तभी तो ट्रंप ने एक टीवी शो के दौरान फिटनेस के नाम पर अपनी रिपोर्ट्स तक दिखा दी। वो द डॉक्टर ओज शो में आए हुए थे और यहाँ भी जब सवाल स्टैमिना और हेल्थ का उठा तो देखिए किस तरह ट्रंप ने रिएक्शन दिया। अगर आप इतने ही स्वस्थ हैं जैसा दिखाया जा रहा है तो क्यों ना आप भी अपने मेडिकल रिकॉर्ड शेयर करें। मुझे ये करने में जरा सी भी परेशानी नहीं है, मेरे पास यही। क्या मुझे ये करना चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता। दो लेटर है, एक रिपोर्ट है और दूसरे लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल से। डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ ही रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें लोगों को दिखाते भी हैं। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? ये सभी टेस्ट हैं, पिछले हफ्ते ही किए गए हैं। 9/11 की श्रद्धांजलि सभा में जब से हिलरी क्लिंटन लड़खड़ाई हैं, डोनाल्ड ट्रंप को मानो बूस्ट मिल गया हो। हर जगह वो स्टैमिना और ताकत की बात करते हैं। हालांकि ट्रंप की अपनी उम्र हिलरी से ज्यादा है, लेकिन फिटनेस के मामले में वो खुद को हिलरी क्लिंटन से बेहतर मानते हैं। हम स्टैमिना की बात करते हैं। आपने इस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया है। आपका कहना है कि राष्ट्रपति पद के लिए आपको काफी स्टैमिना चाहिए। अगर आप 70 साल की उम्र में चुने जाएंगे तो आप ओवल ऑफिस में घुसने वाले सबसे उम्रदराज शख्स होंगे। आपको क्यों लगता है कि आपके पास वो स्टैमिना है? रोनाल्ड रेगन और हिलेरी मुझसे 1 साल ही पीछे हैं। अपनी जिंदगी को देखकर मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सही बात नहीं है। मैं आज भी उतना ही स्वस्थ महसूस करता हूँ जितना 30 साल में करता था। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ सर्वेज में हिलरी से पीछे चल रहे थे। अपनी कैंपेन टीम में बदलाव करने के बाद उनके तेवर बदले हुए हैं और वो एनर्जी से भरे हुए हैं। हिलरी क्लिंटन की बीमारी ने उनकी तूफानी कैंपेनिंग की रफ्तार में ब्रेक लगा दी है और ट्रंप इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तभी तो स्टैमिना को मुद्दा बनाकर वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जेब में लेकर चल रही हैं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और फिलहाल दुनिया की खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।